लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आज के क्लास में जेएस मिल पर आधारित सवालों का हम लोग अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के सवालों का हल कैसे करें, इस श्रृंखला के अंतर्गत ये 12वां एपिसोड आपको दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत जेएस मिल के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। जेएस मिल के विचारों का अगर मूल्यांकन किया जाए तो उनके विचार में दो बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक बात है बेंथम के उपयोगितावाद में किया गया संशोधन और दूसरा है उदारवाद या व्यक्तिवाद को दार्शनिक रूप से सत्यापित करना। जेएस मिल का संबंध है इंग्लैंड से और इंग्लैंड ही उदारवादी विचारधारा का घर माना जाता है। जेएस मिल के द्वारा उदारवाद को सत्यापित करने के लिए नैतिक और राजनीतिक तर्कों का प्रयोग किया गया। जेएस मिल न केवल एक दार्शनिक हैं बल्कि उनके द्वारा व्यावहारिक राजनीति में भी भाग लिया गया और वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। जेएस मिल के ऊपर अनेक राजनीतिक चिंतकों के विचारों का असर है जिसमें महत्वपूर्ण है उनके पिता जेम्स मिल, दूसरा उनके गुरु बेंथम और उनकी पत्नी श्रीमती टेलर तथा अन्य चिंतकों का भी उनके ऊपर असर पड़ा है। जेएस मिल को स्वतंत्रता का देवदूत कहते हैं। अनेक राजनीतिक अवधारणाओं के विषय में जेएस मिल के द्वारा अपने विचारों का प्रतिपादन किया गया। स्वतंत्रता पर और प्रतिनिधि लोकतंत्र पर दिया गया उनका विचार राजनीति विज्ञान की अमूल्य धरोहर के रूप में माना जाता है। जेएस मिल के द्वारा अपने विचारों के प्रतिपादन में अनेक पुस्तकों का लेखन किया गया जिसमें द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तथा इसे जान लिबर्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अन्य किताब यूटिलिटेरियनिज्म है जिसे उपयोगितावाद कहते हैं। इस पर कन्फ्यूजन होता है कि उपयोगितावाद का लेखक कौन है। उपयोगितावाद का लेखक जेएस मिल है। उपयोगितावाद की विचारधारा बेंथम की है। जेएस मिल एक ऐसा चिंतक है जिसको संशोधनवादी उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज टॉप 10 सवालों का विश्लेषण और उसमें प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत आपको सवाल है कि राजनीति विज्ञान में संशोधनवादी उपयोगितावाद के नाम से संशोधनवादी उपयोगितावाद के नाम से कौन जाना जाता है इसमें पहला अल्टरनेट है इसको कहा बेंथम ने, दूसरा इसमें कहा रूसो ने या तीसरा इसमें कहा आग्रेन ने और चौथा इसमें कहा टीएच और चौथा इसमें कहा है जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो आपको इसमें सही उत्तर क्या लगाना है। जैसा कि आपको बात मालूम है बेंथम के द्वारा जब सुखवादी सिद्धांत के आधार पर उपयोगितावादी विचारधारा का दार्शनिक सत्यापन किया गया था और अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम कल्याण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तब इंग्लैंड में इसका पुरजोर विरोध हुआ। एक बड़ा दार्शनिक वर्ग था जिसने इसे सुकर दर्शन के नाम से संबोधित किया था और बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर दर्शन का प्रवक्ता कहने का श्रेय जाता है। महत्वपूर्ण टिप्पणीकार हैं और उनका नाम है कार्लाइल। जेएस मिल ने इसीलिए उपयोगितावाद में गुणात्मक आधार पर संशोधन किया, इसलिए जेएस मिल ही इसका सही उत्तर होगा। और आपने लगाया कि जेएस मिल के को ही संशोधनवादी उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आता है एक संतुष्ट मूर्ख के तुलना में
एक संतुष्ट मूर्ख के तुलना में आ एक संतुष्ट मूर्ख के तुलना में आ तुलना में असंतुष्ट सुकरात का होना असंतुष्ट सुकरात का होना असंतुष्ट सुकरात का होना अधिक श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है, यह कथन है किसका, हमको सवाल आया तो यह कथन है सुकरात का, यह कथन है बेंथम का, यह कथन है मिल का, यह कथन है अरुसो का। आपको क्या लगाना है कि यह कथन मूलतः है किसका, अरुसो का, और इसी के द्वारा इसी अपने कथन के द्वारा जेस मिलने आप बेंथम के द्वारा इस कथन का खंडन किया था, जबकि उनके द्वारा कहा गया था कि पुष्पिन का खेल और काव्य पाठ सुखों की मात्रा समान होने पर बराबर होते हैं। जेस मिल के द्वारा इस बात का खंडन किया और गुणवत्ता के आधार पर बतलाने का प्रयास किया कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात का होना अधिक श्रेष्ठ होता है। प्रश्न संख्या देखिए, यहाँ पर तीन में हमको सवाल पूछा गया और सवाल है कि उपयोगितावाद का लेखक कौन है, उपयोगितावाद का लेखक कौन है, यह सवाल पूछा गया तो इसका उत्तर है इसका लेखक जेएस मिल है या इसका लेखक बेंथम है या इसका लेखक टी.एच. ग्रीन है या इसका लेखक अरुसो है। आपको क्या बतलाना है, इसका लेखक है कौन, जेएस मिल। उपयोगितावाद के विचारधारा यह संबंधित है भले ही बेंथम से, बट उपयोगितावाद यूटिलिटरिज्म यह महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है किसकी, यह महत्वपूर्ण पुस्तक है जेएस मिल की। प्रश्न संख्या यहाँ पर चार के अंतर्गत हम लोगों को समझना है कि एसेज ऑन लिबर्टी, एसेज ऑन लिबर्टी का, एसेज ऑन लिबर्टी का लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो इसका भी लेखक आपको बतलाना है, इसका लेखक प्लेटो है या इसका लेखक अरस्तु है या इसका लेखक जेएस मिल है या इसका लेखक जॉन लॉक है, क्या लगाएंगे। ऐसे जॉन लिबर्टी स्वतंत्रता के ऊपर लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह किताब किसने लिखा है, यह किताब लिखा है जेएस मिल के द्वारा। अनेक पुस्तकों का लेखन करने के साथ साथ जेएस मिल के द्वारा इस किताब का भी लेखन किया गया जिसको एसेज ऑन लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, और जेएस मिल की यह किताब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम लोगों को पांचवें सवाल में यह सवाल आपसे है, यह सवाल आपको पूछा गया कि स्वतंत्रता को, कार्य स्वतंत्रता को, कार्य के स्वतंत्रता को, कार्य के स्वतंत्रता को स्वविषयक
आस्वा विषयक एवं पर विषयक में और विषयक में किसने विभाजित किया? स्व विषयक एवं पर विषयक में किसने विभाजित किया है? यह सवाल पूछा गया और इसका उत्तर है आजेस मिल के द्वारा। अगला इसका उत्तर इन्होंने दिया के वेंथम के द्वारा, आया आग्रेन के द्वारा, या रूसो के द्वारा। अगर यह सवाल आपको पूछा गया तो इसका उत्तर आपको क्या लगाना है? इसका उत्तर है का जेस मिल को स्वतंत्रता का श्रेष्ठतम विचारक माना गया। स्वतंत्रता का इनको अग्रदूत कहते हैं, स्वतंत्रता का देवदूत कहा गया क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता का सर्वाधिक समर्थन किया। यद्यपि यह स्वतंत्रता के संदर्भ में इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा कार्य की स्वतंत्रता, कार्य संबंधी स्वतंत्रता को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक है स्व विषय कार्य और दूसरा है पर विषय कार्य। स्व विषय कार्य के संदर्भ में जेस मिल के द्वारा कहा गया कि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य जो केवल उसी को प्रभावित करता है और राज के द्वारा उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, परंतु व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य जो व्यक्ति के साथ साथ समाज के अन्य सदस्यों को भी अगर प्रभावित करता है तो राज को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। इसी को स्व विषयक एवं पर विषयक कहते हैं। जेस मिल के द्वारा अपने इस बात का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ऐसे जान लिबर्टी में किया गया है। इसलिए अगर यह सवाल आता है कि स्व विषयक एवं पर विषयक स्वतंत्रता की बात किसने किया है, इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा जेस मिल। बट यहाँ पर आपको एक तथ्य और भी याद रखना है, अगर यह सवाल आ जाए कि अधिकार को स्व एवं पर विषयक दो भागों में किसने डिवाइड किया था, तो इसका उत्तर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर छः है और आया है कि आधुनिक काल में विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का श्रेष्ठ प्रतिपादक कौन है? तो आपको बताना है कि इसका श्रेष्ठ प्रतिपादक है बेंथम, या इसका श्रेष्ठ प्रतिपादक है जॉन लॉक, या इसका श्रेष्ठ प्रतिपादक है जेएस मिल, और या इसका श्रेष्ठ प्रतिपादक है और रूसो। आपको क्या लगाना है आके इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? आधुनिक काल में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन जेएस मिल के द्वारा किया गया, जबकि प्राचीन काल में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का श्रेष्ठतम प्रतिपादक सुकरात को माना जाता है, क्योंकि सुकरात के द्वारा कहा गया था कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, जिस बात को सुकरात ने प्राचीन यूनान में कहा था उसी बात को जेएस मिल के द्वारा आधुनिक काल में कहा गया। इसलिए इसका सही उत्तर होगा क्या? जेएस मिल। प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत हम लोगों को सवाल यह है कि कौन ऐसा चिंतक है, किस चिंतक के द्वारा पागल एवं सिनकी को भी
आगल एवं सन के व्यक्ति को भी सन के व्यक्ति को भी विचार अभिव्यक्ति के आज़ादी विचार अभिव्यक्ति के आज़ादी को देने का आज़ादी को देने का समर्थन किया गया था देने का समर्थन किया गया था। अगर यह सवाल आपको पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले आके जेएस मिल के द्वारा, आबे में बेंथम के द्वारा, या सी में रूसो के द्वारा, या डी में ग्रीन के द्वारा। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का श्रेष्ठतम समर्थक है कौन? जेएस मिल, पागल और सेन की व्यक्ति को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए जेएस मिल के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि पागल और सेन की व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य के द्वारा बनाए गए नियम कायदा कानून का असर पागल और शनकी को ही पड़ता है, इसलिए उसको भी इस पर मत व्यक्त करने का अधिकार हो। माना कि पागल एवं शनकी व्यक्ति अनेक बार गलत बोलता है, परंतु कभी कभी वह तात्विक बात भी कह बैठता है, इसलिए आवश्यक है। और दूसरा, विचार अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक अवधारणा है और यह प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए पागल और शनकी को भी अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 में यहाँ पर सवाल है कि स्वतंत्रता का देवदूत किसको कहते हैं? स्वतंत्रता का देवदूत किसको कहा जाता है? स्वतंत्रता का देवदूत कौन कहलाया? हमको यह सवाल आया तो इसका पहला अल्टरनेट दिया था और रूसो को दूसरा अल्टरनेट दिया था, जेएस मिल को और तीसरा इसमें दिया था आके रूसो और तीसरा इसमें दिया था कांट को और चौथा इसमें दिया था हीगल को। तो आपको क्या लगाना है कि कौन ऐसा चिंतक है जिसे स्वतंत्रता का देवदूत कहा जाता है? स्वतंत्रता का देवदूत जेएस मिल को कहते हैं। आज जब के बाध्यकारी स्वतंत्रता का विचार प्राकृतिक स्वतंत्रता के श्रेष्ठ विचारक हैं कौन? इसके श्रेष्ठ विचारक हैं रूसो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और यह प्रसिद्ध कथन है ये यहाँ पर जो पूछा गया और आके प्रत्येक व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क एवं नवा सवाल है और नवे सवाल के अंतर्गत आपको पूछा गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क का प्रत्येक व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क का अपने मन मस्तिष्क एवं शरीर का मन मस्तिष्क एवं शरीर का संप्रभु है शरीर का संप्रभु है यह कथन है किसका? यह कथन किसका है? आपको पूछा गया यह सवाल, आप क्या बताएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क एवं शरीर का संप्रभु है यह कथन है किसका? यह कथन है जेएस मिल का। आपने इस कथन के द्वारा ही इस बात पर बल दिया था जेएस मिल ने कि राज के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। यह महत्वपूर्ण बात कह करके इनको स्वतंत्रता का देवदूत कहा गया था। बट एक सवाल आपको पूछा जाता है और वह है कि जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का जेएस मिल को
देश मिल को खुली स्वतंत्रता का देश मिल को खोखले स्वतंत्रता का देवदूत किसने कहा था? देवदूत खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसने कहा था? आप पैगंबर किसने कहा था? आपको यह सवाल पूछा गया, आया कथन है किसका? बारकर का। आया यह कथन है वेपर का। या यह कथन है आग्रेन का। या यह कथन है सिवाइन का। तो आपको इसमें क्या लगाना है कि यह बात किसके द्वारा कहा गया? आ कि जेस मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, यह प्रसिद्ध कथन है किसका? बारकर का। अगर आपको सवाल आता है तो आपको लगाना है कि यह प्रसिद्ध कथन बारकर का है, और बारकर ने ही जेस मिल के स्वतंत्रता विषय का अवधारणा का प्रतिपादन जो उसके द्वारा किया गया था उसकी आलोचना करते हुए कहा कि जेस मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, क्योंकि इसके अंतर्गत उसने व्यक्ति निष्ठा को प्रधानता दे दी अपने राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत, और व्यक्ति का मूल्यांकन पृथक रूप में कर डाला। इसीलिए बारकर ने कहा कि जेस मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। ये थे हमारे आज के 10 टॉप 10 सवालों का विश्लेषण। हमारा ऑनलाइन बैच लगातार चल रहा है। अभी भी जो विद्यार्थी उस बैच में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसमें RTGT और PGT का संपूर्ण कोर्स का निर्धारित अवधि में पूरा किया जाएगा, PDF नोट होगा, तथा टेस्ट का भी आयोजन ऑनलाइन बैच में किया जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।